जून 2019 मेरठ के लोहिया गांव में एक दिने की युवती की लाश एक खेत में दफनाई हुई मिली। लाश से हाथ और सर गायब थे। एक वर्ष उस मामले की जब तहकीकात चली तो मालूम हुआ कि वह एक बीकॉम की एक छात्रा थी, धर्म से हिंदू, और उसे अमन बनकर शाकिब में अपने लव जिहाद का शिकार बनाया। अमन बना शाकिब एक मजदूर था। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप? वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। मृतका अपने घर से 25 लाख का जेवर लेकर शाकिब के साथ भाग गई थी। अगर शाकिब ही रहता तो संभव है कि उसे मृतका जब जिंदा थी तो भाव न लगाती, लेकिन अमन है तो यह रास्ता भी साफ था। आम तौर पर गालियां खाने वाली पुलिस ने एक साल में वह गुत्थी जिस ढंग से सुलझाई वह उसकी कामयाबी का एक अलग ही अध्याय है जिस पर अधिक चर्चा नहीं हुई। पुलिस आखिरकार पंजाब के लुधियाना जा पहुंची थी। अब जरा इसको ध्यान से समझें और इसको जो मैं समझाना चाहती हूँ तार से तार जोड़े। जब वह ईद के दिनों में पहली बार लोहिया लेकर गया तब उसे पहली बार पता चला कि वह शाकिब है, अमन नहीं। दोनों में विवाद हुआ। अब शाकिब के बदनीयत घर वाले सीन में आए। सब तरह से झंझट से बचने के लिए और जेवर पर कब्जा करने के लिए सब ने मिलकर उसे क्या किया, अपनाया, प्यार किया, पुचकारा? अरे नहीं बाबा, काट डाला। हाथ पैर दोनों के नाम लिखे हुए थे सो हाथ काटा, और सर तन से जुदा करना तो एक पवित्र कार्य ही है। तो इसीलिए यह केस उत्तर प्रदेश पुलिस की एक शानदार और सराहनीय तफ्तीश के लिए पढ़ा जाना चाहिए। गूगल पर इसकी डिटेल्स अवेलेबल है दोस्तों, आप इस पे खुद जाकर रिसर्च कर सकते हैं, उस केस के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। दूसरी घटना गुना में रहने वाले एक जैन परिवार की लड़की ही है। वसीम कुरैसी पहले उसी प्रेम जाल में फंसाता है और फिर उसे 3 साल तक बंधक बनाकर रखता है। 3 साल तक उसका धर्म परिवर्तन करता है और जब पानी नाक से ऊपर जाता है तो फिर वो लड़की जहर खाकर खुद की कहानी ही खत्म कर लेती है। ऐसे ही कुछ कश्मीर में हुआ। शिकारी मजहबी और शिकार सिख बेटियां हुई। पंजाब की एक लड़की को निकाह के बाद श्रीनगर ले जाया गया और फिर श्रीनगर में उस पर उसके ससुर के साथ, जी हाँ ससुर के साथ, पिता की उम्र ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने का ऑफर दिया गया, यह कहकर कि घर की बात घर में ही रहेगी। एक घटना ये कि मध्य प्रदेश के सतना में एक साइबर कैफे और जिम चलाने वाले समीर खान ने अपने धंधे के पीछे हिंदू लड़कियों को फंसाने के धंधा खोल रखा था। यह बात सिर्फ उनके लिए है और आपके और जब जवाब जो लव जिहाद जैसे शब्द को झुठलाते हैं कि ये तो एक सिर्फ और सिर्फ आशिक है, धर्म मजहब नहीं होता, इस तरह की बातें आपसे उदाहरण जो मांगते हैं, आपको क्या लगता है कि ये मामले एकदम अभी अभी आने शुरू हुए हैं, आज या कल या बीता हुआ परसों का है? देश भर में ऐसी घटनाओं की बाढ़ अचानक से नहीं आई है, धीमी गति का यह जहर हमेशा ही फैला हुआ है। सेक्युलर परिवेश में लाल कालीन के नीचे दबा दी गई, आहें और कराहें इंटरनेट की बदौलत तत्काल हर हाथ ये मोबाइल पर पहुंचने लगी है। फोटो और वीडियो सहित पूरी डिटेल। अब आवश्यक क्या है? आवश्यक ये है कि मैं हर शहर में पिछले 30 सालों में गायब हुई ऐसी लड़कियों का विस्तृत डेटा बनना चाहिए जो किसी अब्दुल, सलमान और समीर या आफताब जैसे मजहबियों के चक्कर में पड़ी हो और जिनका आज कोई अता पता नहीं है। डेटा चाहिए तो बताइए, पूरा रिसर्च करके डेटा निकाल रखा है। कौन जाने कि वो किस नरक में पड़ी है। यह एक सांप्रदायिक समस्या ही नहीं, सामाजिक अध्ययन का भी विषय है। अगली बेटी हमारे आपके घर की भी हो सकती है। जो बहुत चैन से आराम से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सतर्क हो जाइए। विश्वविद्यालयों और सामाजिक शोध संस्थानों का ध्यान पता नहीं इस गंभीर जहरीली सामाजिक समस्या की तरफ
क्यों नहीं, उनके समाज शास्त्र विभागों में मृत पाठ्यक्रमों को ढो रहे किसी HOD या प्रोफेसर को क्यों नहीं लगता कि वो अपने आसपास की ऐसी घटनाओं का एक विस्तृत डेटाबेस तैयार करे और दस्तावेजीकरण कराया जाए? क्यों, कब तक लाशों का बोझ इतिहास में डालते रहोगे? पुलिस और अदालत तक गए मामलों में तो बहुत कुछ ऐसा है जो सार्वजनिक है, एक आफताब और एक श्रद्धा के आए दिन की कहानी भी हमारे समाज की एक सच्चाई है, जिससे मुंह मोड़कर मालूम नहीं शोधी समाज इन चीजों को बढ़ावा क्यों दे रहा है और कब तक देगा, कब तक? कोचिंग और कॉलेज वाले हर बड़े 30-40 लाख आबादी वाले शहर में 1-2 लाख आबादी ऐसे युवाओं की है जो छोटे कस्बों और शहर से पढ़ने या करियर बनाने के लिए आए हैं। ये युवा बड़े शहरों में आकर अपने जीवन के मालिक खुद हैं, भले ही पैरों पर खड़े हों या नहीं, दूर बैठे उनके माता पिता इस उम्मीद में हर महीने उनकी हर जरूरत पूरी करने में लगे हैं और अकाउंट में ठीक महीना समाप्त होने से पहले पैसे आ जाते हैं, उनका ठीक ठाक भविष्य बन जाए ये स्वप्न देखते हैं। वे नहीं जानते कि उनके बेटे या बेटियां शहरों में अपनी स्वतंत्रता का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। जाहिर है हर कोई हर उस इम्तिहान में पास नहीं हो जाता जिसके लिए वो हक गया है। एक स्कूटी और एक मोबाइल ने उनके जीवन में यूं उड़ान भरने के लिए दो बेलगाम पंख लगा दिए हैं। बस इतना ही तो काफी है उड़ान भरने के लिए, खासकर पढ़ाई के लिए घर से निकली बेटियों के बारे में सोचा जाना बेहद आवश्यक है। बेटियों को ऐसी खुली स्वतंत्रता हर समुदाय में नहीं है और जिन समुदायों में नहीं है उनमें बचपन से कभी नहीं बताया जाता कि बड़े होने पर उन्हें अपने सामाजिक व्यवहार में क्या सावधानियां आवश्यक होंगी। उन्हें यह विवेक कोई नहीं देता कि वे किन लोगों से उन्हें आगे चलकर सतर्क रहना है, सावधान रहें, किन्हें अपने पास आने दें और कितने किनके कितने पास वो जाएं। रही सही कसर हमारी हिंदी सिनेमा सीरियल और अब तो OTT के चरित्रहीन नायक नायिका और उनके पात्रों ने पूरी कर दी है। कितने माँ बाप किसी शहर में अपने बच्चों खासकर बेटी को पढ़ने के लिए छोड़ते वक्त यह बताते हैं कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे एक दिन किसी सूटकेस में बंद लाश के रूप में मिले या किसी फ्रिज में 35 टुकड़ों में ना देखी जाए या किसी खेत में सिर कटी लाश के रूप में ना नजर आए। कितने माँ बाप ने अपनी बेटियों को ये बताया है या कौन बच्चों को बताएगा कि हमारे आसपास जन्मजात शत्रु बोध के साथ एक संगठित समाज सदा के लिए उपस्थित है जिसके जीवन मूल्यों को आपके जीवन मूल्यों से कोई मेल नहीं है और उनसे सामाजिक व्यवहार की कुछ कठोर कसौटियां तय होनी ही चाहिए, जिनके लिए ऐसी फैशनेबल काफिर लड़कियां जंगल में एक घास चर रहे लापरवाह हिरण या बकरी की तरह मूर्ख शिकार है और कामयाब शिकार की एवज में उनके लिए ढेरों शाबाशियां और लुभावने इनाम इकरार मुकर्रर है और ये सब पहले से तय है। स्कूल कॉलेज कोचिंग वाले कभी इस विषय पर अपने विद्यार्थियों को क्या सावधान करेंगे? कभी नहीं, क्योंकि उनकी नजर में ऐसा करने से मामला हिंदू मुस्लिम होने का डर है। वे अपना धंधा बिगाड़ना नहीं चाहेंगे तो छात्रों के नाम पर बैनर वाले संगठन क्या कर रहे हैं? वे केवल सच्चाई बताएं, सच्ची कहानियां सुनाएं, सावधानियों पर बात करें, अपना कोई निर्णय ना सुनाएं, केवल जागरूकता के लिए। महिलाओं के संगठन भी यह विषय ले सकते हैं, लेकिन महिलाएं सबसे पहले अपने खुद के घरों में बच्चों को सही समझ और सीख दे। जितने भी भ्राता, जितने भी पिता देख रहे, बताएं, कुछ सरकारों ने कानून बनाकर कदम उठाए हैं लेकिन वे पर्याप्त नहीं है। वे तो मामला पूरा तक जाने के बाद के एक कदम है। शुरुआत परिवारों से ही होनी चाहिए। ऐसा करने से ही कोई श्रद्धा या कोई शालू कॉलेज या कोचिंग जाने से पहले ही यह समझ चुकी होगी कि अब वह जिस दुनिया में कदम रख रही है ना, उधर कई शांति दूत शिकारी कुत्तों से उसे कैसे बचना है।
कैसे निपटना है। आखिर में हमें हर शहर के 30 सालों के रिकॉर्ड खंगालने चाहिए, ऐसी हर कहानी की गुमनाम लड़की का आता पता लगाना चाहिए। वह किसके साथ गई थी, कहां गई थी, आज कहां है, किस हाल में है, उसकी जिंदगी कैसे गुजरी, ऐसी कहानियों को सोशल मीडिया पर लेकर आए, लिखें, चर्चा करें। आपके पास फोन है, किसी लेखक या कवि को धड़ पकड़े कि वह चिड़िया, मौसम, हवा, पानी, फूल, पत्ती, तितली, भौरा, फूल, खुशबू पर कविता, कहानी कुछ महीने बाद लिख ले। पहले समाज को जहरीला बना रही इस घातक लहर को लेखनी में ले आए, जरा इस पर तो चर्चा करें। या उसका भी सामाजिक जिम्मा है जो फूलों पर और भंवरे पर लिख रहा है। अब ऐसी कहानियों के लिए कोई अखबार या मैगजीन का मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया की ताकत आज बहुत बड़ी है दोस्तों। ऐसे अनगिनत भूली बिसरी कहानियां हर शहर में है, हर कस्बे में है, हर कहानी में एक बदकिस्मत श्रद्धा की आहें और कराहे हैं। अंधे माहौल में हर श्रद्धा या निधि का अपना एक आफताब है, हर निधि का अब्दुल ऐसा ही है। ये कहानी, ये सच, ये तथ्य, ये फैक्ट अब समाज में उजागर करने की आवश्यक है। मैं अपने हर सनातनी दोस्तों से कहूंगी, आसपास जितनी भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आपके दोस्त के दोस्त, दोस्त के जानकार के दोस्त, कहीं आसपास कहीं भी इस तरह का कुछ भी हो रहा है, तो वो लिखें, उस पर वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें। अब आवश्यक है कि समाज में इन लगातार जो हो रहे हैं उन तथ्यों को हम उजागर करें, ऐसे जहरीले सपोलों को, नागों को खींचकर अब समाज के सामने लाएं। बाकी आप क्या ये करने को तैयार हैं? बहुत बड़ा दायित्व दे रही हूं मैं आपको, क्या आप इस दायित्व को अपने कंधे पे उठाने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं? तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर अब चलें। एक से भले दो, दो से भले 2 लाख, हमारा 2 लाख परिवार है, सोचिए ताकत कितनी ज़्यादा है। बाकी चैनल पर यूं ही बने रहें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ये दायित्व आपके साथ साथ और दूसरे लोग भी उठाएं। बाकी बस आप यूं ही प्यार देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।